गाइस आपका स्वागत है मेरे बीएल ब्लॉग में। और गाइस आज रात से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है और सुबह भी बारिश हो रही है, इस समय बारिश बहुत तेज़ी पड़ेगी और चलो दिखा दें गाइस। गाइस देख रहे हैं आप, रात से बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ी से बारिश हो रही है और गाइस जगह जगह पानी भर गया है गाइस और आज स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। गाइस आप देख रहे हैं बारिश ऐसी रुक गई जैसे बारिश ही नहीं हुई और धूप निकल आई बहुत तेज़ी से, काफ़ी तेज़ धूप है और लग ही नहीं रहा है बारिश हुई है रात से। गाइस ठीक सामने आप देख रहे हैं ये डोरा रोड आ रहा है और साइड में ये मंदिर है, शिव मंदिर है और गाइस देख के ये लग रहा है काफ़ी पुराना मंदिर है और चलो चलते हैं गाइस अब अंदर। और गाइस गेट पे दोनों साइड से मूर्ति लगे, एक गणेश भगवान जी की और एक शनि महाराज जी की गाइस। और गाइस ये साइड में पीपल महाराज जी हैं और कितनी बढ़िया जगह है और यहाँ पूजा करें और आराम से बैठे हैं पीपल महाराज का। दोरा रोड पे मंदिर शिव मंदिर है, उसमें प्रसाद चढ़ाने आए हैं मंदिर में और आज गाइस मंगलवार था इसलिए प्रसाद चढ़ाने आए और चलो चलते हैं चढ़ाते हैं और गाइस मंदिर में अंदर आ गए हैं और दिखाते हैं बजे मलिका का मंदिर। गाइस ये हमारे हनुमान जी देख सकते हैं आप। गाइस हम प्रसाद चढ़ा दें, गाइस हमने प्रसाद चढ़ा दिया बजरंगबली बाबा को। जय श्री राम, जय। और गाइस ठीक सामने आप देख रहे हैं ये भोलेनाथ का मंदिर है और देखें काफ़ी पुराना मंदिर लगता है गाइस और देखने का भोलेनाथ का मंदिर भी अच्छा लग रहा है। और गाइस चलो अब चलते हैं दिखाएंगे अंदर से। गाइस ये हमारे भोलेनाथ का मंदिर है और चलते हैं मंदिर दिखाते हैं अंदर गाइस और भोलेनाथ के दर्शन भी कीजिए आप। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और मंदिर छोटा है ये मंदिर, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं गाइस। और नंदी बाबा माता पूजा बड़े भगवान जी भोलेनाथ को वहाँ पंख लगा हुआ है, देख रहे हैं ठीक सामने भोलेनाथ को हवा आ रही है यहाँ पे चारों तरफ घुमाते हैं माता की चोकना और इधर बजरंगबली बाबा और इधर ठाकुर जी है हमारे देख सकते हैं और काली माता और ये विष्णु श्री राम भगवान जी हैं गाइस और इधर विष्णु भगवान जी हैं और इधर हमारे भोलेनाथ पार्वती माता हैं। और गाइस देख रहे हैं ये मंदिर का जो एरिया है देख सकते हैं गाइस, यहाँ कुत्ते भी काफ़ी सो रहे हैं दो तीन कुत्ते हैं और देख सकते हैं गाइस इधर इधर बाबाओं का अपना रहने के लिए बना रखा है उन्होंने घर और गाइस देखिए पूरा मंदिर। गाइस डोरा खुला है और देख सकते हैं और डोरा खुल ये नदी देखें गाइस, मुझे लगता है डोरा नदी इससे पहले पानी नहीं आया वो और देखें पानी कितना पानी आ गया गाइस डोरा नदी में देखें गाइस। ऐसे मकान बनने का यही खतरा होता है नदी के आगे मकान बनाना, अगर पानी ज़्यादा आ गया तो कट जाएंगे पानी से गाइस। और देख सकते हैं वो मठ बनना है मकान बिल्कुल नदी किनारे